सो अचानक मैं एकदम भयानक हो गया क्योंकि प्लान बन गया है अभी बाहर जाने का और ये एकदम अचानक से हुआ है और टाइम हो रहा है शाम के 6:20 और ये प्लान इसके लिए बना है क्योंकि शाकिब और शाकिब की वाइफ मोली वो केरला से उन लोग दोनों निकल चुके हैं और मैं और मेरी फैमिली भिवंडी से निकलेंगे तो शाकिब आएगा आधे रास्ते और मैं जाऊँगा यहाँ से आधे रास्ते लेकिन शाकिब वहाँ से आ रहा है कार से मैं यहाँ से जाऊँगा ट्रेन से तो आधे रास्ते में हम मिलेंगे वहाँ पे स्टे करेंगे फिर इसके बाद में सीधा वहाँ से निकल के आएंगे सीधा भिवंडी की तरफ। तो पहले हमारा प्लान था बाइक से जाने का लेकिन बाइक का प्लान कैंसिल किए क्योंकि शाकिब ऑलरेडी वहाँ से कार से निकल चुका है। अगर मैं बाइक लेके यहाँ से जाता हूँ तो बाइक और कार दोनों हो जाएगी तो इसके लिए ट्रेन से जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा ये सोच के हम ट्रेन से जाएंगे और वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे शाकिब को। तो अभी हम 10 में निकल रहे हैं ट्रेन है हमारी 8:30 तो बाकी का डिटेल हम कहाँ जा रहे हैं वो सब मैं वहाँ पहुँचने के बाद आपको दे दूँगा। वेलकम टू कर्नाटका। हम है अल्लावर स्टेशन पे तो अभी शाकिब यहाँ पे आ चुका है और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं अल्लावर से सीधा डांडेली। डांडेली यहाँ से कुछ है 30 किलोमीटर। तो थोड़ी देर पहले हमने नाश्ता किया वहाँ से हम थोड़ी दूर तक आए हैं और अभी किलोमीटर कितना बचा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर बचा है डांडेली पहुँचने को। डांडेली में जगह का नाम है वाइल्डर नेस्ट एडवेंचर करके रिजॉर्ट है ना। हाँ, रिजॉर्ट है तो हम सीधा वहीं जाके अभी रुकेंगे। और जी इस तरफ जी जी का भी नया हेयर कट है। तुषार कपूर कैसे आया हो बोल रहे हो? आया हो आओ शक्ति को बोल रहे थे शक्ति को आओ अभी हम यहाँ पे रूम देख रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि टेंट लेंगे लेकिन धूप ज्यादा है बाहर की तरफ तो दोपहर के टाइम रूम लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा और रात होगी तो हो सकता है कि हम टेंट ले लें। तो डिसाइड कर रहे अभी रूम ले कि टेंट ले। और जब हम आए थे तो पूरा खाली था लेकिन अभी फ़िलहाल एक बस आई है जो पूरा भर के आई तो अभी यहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई है। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि मतलब दोपहर का टाइम हम निकालेंगे रूम में मतलब एक्टिविटीज़ करेंगे और रात को लगेगा तो हम टेंट ले लेंगे तो ऐसा फिक्स किए गए। तो हम सामान निकाल रहे हैं और सीधा रूम की तरफ जाएंगे। हाँ एंगटे बीचिका कुल क्या ना जी एंता बैगली जी इंडे बैगल बैगली फुल एक्साइटेड है वो पानी में कूदने के लिए। यहाँ से भी चल के आएगी टो 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 टोल कर
टा पुआ यस यस रेडी रेडी पुआ नोटे हाँ व्हील खराब कर दे अंगठा नहरा ड्रेस गांडे। जब से ये स्विमिंग पूल देखी है जी को यहीं उतरना है बस, तो अभी कपड़ा लेकर आई है, सामान निकाली नहीं अंदर से गाड़ी के अंदर से, बस इसको सीधा आके ये पूल में कूदना है। पानी में डाल रहे हैं ब्लू कलर का, वो पानी को अभी ब्लू करेगा, अभी ये ग्रीन दिख रहा है, अभी धीरे धीरे ब्लू होगा। इसी काँप रही है बैठ के। तो ये है वो चीज जो पानी को ब्लू करता है, तो इसको अभी उन्होंने पानी में डाला है। तो अभी हम लोग स्विमिंग पूल से अभी निकले हैं, तो अभी टाइम हो गया है 3:30, अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं और शाकिब उस तरफ है। तो अभी हम खाना खा लिए और टाइम हो गया है 4:30, तो अभी मैं आपको पूरा यहाँ का सेटअप दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से लेके मतलब गेट से लेके पूरा अंदर का व्यू कैसा दिखता है। इस तरफ से एंट्री होती है और सामने पीछे की तरफ देखो तो ये है गेट की स्टार्टिंग, सामने की तरफ स्विमिंग पूल है जहाँ पे हम लोग ने 3 घंटा निकाला, और यहाँ पे होता है कैंप फायर, यहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया भी। यहाँ शाकिब जी और मोली यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं, और यहाँ पे टेबल टेनिस, यहाँ से हमारा रूम आता है ये लेफ्ट साइड में, ये हमारा रूम है, यहाँ बाहर का सेटअप, और सामने की तरफ जो टेंट लगा है आपको जिधर चाहिए उधर लगा के देंगे ये टेंट। और अभी मैं जी को लेके आता हूँ क्योंकि जी को खेलने के लिए जगह वहाँ उस तरफ। वाह ऑर्डर साधन कल के ने जी के, वाह जी को खेलने की जगह मैं ढूंढ लिया हूँ। वाह खेलना है ना जी, खेलने का है, कहाँ खेलोगे? आउट है। वाह जी चाड़ियों के लिया लिया बोट्टू लिया पिट किया देंगे ना नौकटा मैंने रियटा। रेडी 1 2 3 अंगट ओके ओके അതെങ്ങനെ അക്കീസി എറിഞ്ഞിട്ടാ ആണോ അറിയല്ലേ? ത
तो अभी मैं आपको दिखाया लेफ्ट साइड का, जहाँ पे हम लोग का रूम भी है और बाकी के जगह भी मैं आपको दिखा दिया। अब मैं चलता हूँ सीधा दिखाने के लिए राइट की तरफ, देखने के लिए और कुछ नहीं है, यही सब व्यू दिखेगा। ये कॉटेज है, कॉटेज 3, कॉटेज 4, कॉटेज 5 आगे की तरफ पूरा, यहाँ पूरा रूम है। हमारा डिनर भी हो चुका है और खाने में मेरे को इतना खास नहीं लगा दोपहर का खाना, लेकिन रात का फिर भी ठीक था। तो अभी हम उस तरफ बैठेंगे, वहाँ पे होगा कैंप फायर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कर्नाटका डांडेली। रात को हम 12-12:30 बजे सोए हैं कैंप फायर करके, और वैसे तो हमने एक रूम लिया था तो, लेकिन हमारे लिए एक और ऑप्शन था टेंट का, तो हमने एक टेंट ले लिया और शाकिब रूम पे सो गया और मैं और मेरी फैमिली टेंट में। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह होते ही वहाँ पे जी अपना कार्यक्रम चालू कर दिए हैं। तो अभी हमारे को कुछ वाटर एक्टिविटीज़ है जो 9 बजे के बाद है, तो हमारे को अभी फ्रेश हो के नाश्ता करके फिर वाटर एक्टिविटीज़ के लिए निकलना है। एडवेंचर अभी हम लोग चेकआउट कर लिए और अभी टाइम हो रहा है 12:30। अभी यहाँ से निकल के हम 1.5 किलोमीटर पे दूसरे रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, जगह देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आज के दिन भी हम रुक जाएंगे, फिर इसके बाद में हम मुंबई की तरफ निकलेंगे।